जान जानी। गाइस इस क्वेश्चन को देखिएगा, क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मजेदार क्वेश्चन आपसे कह रहा है। द लेंथ ऑफ अ माइक्रोस्कोप इज 14 सेंटीमीटर। सॉल्यूशन यहां पर लिख देते हैं जल्दी से। आपसे कह रहा है लेंथ जो है वो कितनी है, 14 सेंटीमीटर। ये किसकी लेंथ है, माइक्रोस्कोप की। और लेंथ का एक फॉर्मूला होता है, लेंथ इज इक्वल टू होता है, अगर आपने माइक्रोस्कोप वाला डायग्राम देखा हो, मैं माइक्रोस्कोप का डायग्राम दिखा देता हूँ, ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप है। अगर आप ध्यान से देखें आपको लेंथ कितनी लेनी होगी, दोनों लेंसों के बीच की यही लेंथ होती है। अच्छा ये देखो, पहले वाले लेंस ने जो इमेज बनाई है वो यहाँ बनाई है वी नोट पर, और ये जो हिस्सा है ये है यू ई कह सकते हो या इसको एफ ई कह सकते हो, क्योंकि यू ई एफ ई के बराबर होता है। तो आप कहीं ना कहीं ये कह सकते हो कि वी नोट प्लस एफ ई, यस और नो, ये वाली बात ध्यान रखना, ये यूज़ कर रहे हैं हम V नोट प्लस एफ ई। तो मैं लेंथ की जगह कह सकता हूँ V नोट प्लस एफ ई। एफ ई यू ई क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ पर एफ ई दे रखा है। देखो अभी आगे देखते हैं इसको, इक्वेशन नंबर वन देख लो और कुछ दे रखा है क्या। द लेंथ ऑफ अ माइक्रोस्कोप इज 14 सेंटीमीटर, बात हो गई। एंड फॉर नॉर्मल विजन द मैग्नीफाइंग पावर इज 25 सेंटीमीटर। तो मैग्नीफाइंग पावर दे रखी है आपको 25 सेंटीमीटर। ये मैग्नीफाइंग पावर का कोई यूनिट नहीं होता। हमसे कह रहा है इफ द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस इज, देखो 5 सेंटीमीटर दे रखा था ना, दे रखा था। तो यहां पर आप वी नोट तो ऐसे रहने दोगे, एफ ई की जगह 5 सेंटीमीटर रख दोगे, ठीक है। तो यहां पर इतना हिस्सा आप अच्छे समझ लो, अगर डाउट हो तो मुझसे आप पूछ सकते हैं। फोकल लेंथ आपने रख दी एफ ई, 5 सेंटीमीटर प्लस में होती है। तो ये एल मतलब 14 सेंटीमीटर इज इक्वल टू आ चुका है, इसको मैं ऐसे दिखा दूं, ये 14 सेंटीमीटर के इक्वल आ चुका। तो यहाँ से आप वी नोट की वैल्यू निकाल लो, तो वी नोट कितना हो जाएगा, यहाँ से वी नोट जब 5 इधर जाएगा तो माइनस में चला जाएगा, तो वी नोट की वैल्यू आ जाएगी 9 सेंटीमीटर। तो आपके पास वी नोट भी है, आपके पास वी नोट के साथ साथ आपको एफ नोट चाहिए। देखो हमसे कह रहा फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव, तो आपको एफ नोट चाहिए, इट मीन्स आपको एफ नोट क्या है ये फाइंड आउट करनी है। तो एफ नोट निकालने के लिए आपके पास वी नोट है, बिल्कुल है। अब आपको यहां से यू नोट निकालना, तो यू नोट निकालने के लिए आपको एम दे रखा, एम इज इक्वल टू 25। अब आपको एक चीज पता होगी, एम का फॉर्मूला, एम का फॉर्मूला क्या होता है, हमसे कह रहा फोर नॉर्मल विजन एम इज इक्वल टू हो जाता है माइनस के वी नोट अपॉन यू नोट, वी अपॉन यू वाला वही, और डी अपॉन एफ ई। जब इमेज इन्फिनिटी पर बन रही होती है तब ये वाला फॉर्मूला नॉर्मल विजन के लिए। एम आपको 25 दे रखा है, वी नोट ये आपको दे रखा है माइनस के 9 हो जाएगा ये, और यू नोट ये तो आपको चाहिए, डी ये 25 सेंटीमीटर होता है, और एफ ई ये वैल्यू आपके पास है कितना, 5। यू नोट आपको चाहिए तो ये यू नोट यहाँ आ जाएगा, 25 से 25 कट जाएगा, वैल्यू आ जाएगी माइनस के 9 डिवाइडेड बाई 5। अब इसको डिवाइड कर लो, 9 5 1 5 बचेंगे 4, तो 5 8 40, तो माइनस के 1.8 वैल्यू आ गई। तो यू नोट आ जाएगा माइनस 1.8 सेंटीमीटर। तो आपके पास यू नोट की वैल्यू भी आ गई, आपके पास वी नोट की वैल्यू भी आ गई। तो आपसे एफ नोट नहीं बताया जाएगा, बिल्कुल बता दोगे, सिंस वी नो दैट हम ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए लेंस फॉर्मूला लगा रहे हैं बाय यूजिंग लेंस फॉर्मूला। क्या है भाई ये लेंस फॉर्मूला, आपको बताया 1 अपॉन एफ नोट इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन ये होता। मुझे क्या चाहिए, फोकल लेंथ चाहिए, बिल्कुल निकाल दूंगा 1 अपॉन एफ नोट इज इक्वल टू 1 अपॉन वी नोट। वी नोट की वैल्यू कितनी है आपके पास, 9 सेंटीमीटर, बिल्कुल रख दो यहाँ, माइनस 1 अपॉन यू नोट। अब यू ऑटोमेटिकली माइनस का आया, तो माइनस माइनस प्लस 1.8 हो जाएगा ये 1.8, या फिर इसको 9 डिवाइडेड बाई 5 कह सकते हैं, 9 डिवाइडेड बाई 5 फायदा पहुँचेगा इससे। 1 अपॉन एफ नोट इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन 9 प्लस ये हो जाएगा 5 अपॉन 9, 1 अपॉन 9 5 अपॉन 9 ये हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाई 9, ठीक है। एलसीएम ले लो, 9 हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाई 9, ठीक है। अगर आप 2 से काटोगे, 2 या 3 से काटो, 3 दूनी 6, 3 3 9, तो यहाँ से इसको उल्टा कर दो तो एफ नोट आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 2, मतलब आ जाएगी वैल्यू 1.5
सेंटीमीटर। तो आपसे यही पूछा था फोकल लेंथ बता दो ऑब्जेक्टिव लेंस की, तो ये आ जाएगी 1.5 सेंटीमीटर। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि आपको डाउट आना चाहिए, लेकिन कहीं पर किसी को डाउट आ रहा तो बता सकते हैं। ये आपसे पूछा था और आपने खुशी खुशी बहुत आराम से फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस आपने बता दी एफ नोट। इसके लिए आपको ये वाला लेंस फॉर्मूला लगाना था। एफ नोट के लिए यू नोट आपके पास नहीं था, तो आपने यू नोट के लिए मैग्निफिकेशन दे रखा था, इसकी मदद से आपने यू नोट फाइंड आउट कर लिया। स्टिल किसी को डाउट है कमेंट कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थैंक यू सो मच।